नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक और नए फ्रेश वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि ट्रेन का रिजर्वेशन टिकट का फॉर्म कैसे भरा जाता है। अगर आपको अभी यहाँ पे बहुत बार मिस्टेक होता है और आप नहीं जानते हैं ट्रेन का रिजर्वेशन टिकट फॉर्म कैसे भरा जाता है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देख सकते हैं। इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कौन सा बात इंपॉर्टेंट होता है, कैसे भरा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फॉर्म लेना पड़ेगा, जो कि फॉर्म आपको कुछ इस तरीके का आपको फॉर्म मिलेगा। मेरे पास यहाँ पे अभी PDF अवेलेबल है, तो मैं आपको इसी PDF के माध्यम से समझा दूंगा। वहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा और कुछ इस तरीके का फॉर्म रहेगा। तो कोई भी टेंशन वाला बात नहीं है, मैं दोनों लैंग्वेज में समझा देता हूँ क्या क्या आपको भरना होता है, कैसे कैसे ये फॉर्म में क्या क्या करना होता है। जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे, यदि आप डॉक्टर हैं तो कृपया इस बॉक्स में सही का निशान लगाएं, आपात स्थिति में आपसे मदद ली जा सकती है। तो अगर आप डॉक्टर हैं तो टिक जरूर लगाएं, क्योंकि कोई इमरजेंसी होती है तो आपसे यहाँ पे कांटेक्ट किया जाएगा, तो इसको आपको टिक करना चाहिए। अगर आप यदि आप गर्भवती महिला हैं तो इस कोटे के अंतर्गत बर्थ आरक्षित कराना चाहते हैं तो कृपया इस बॉक्स में सही का निशान लगाएं, और कृपया पंजीकृत डॉक्टर का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें। यानी कि अगर आप यहाँ पे गर्भवती महिला हैं तो यहाँ पे आपको टिक करना चाहिए, कि उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी डॉक्टर की पर्ची होती है उस फॉर्म के साथ अटैच करके आपको दे देनी चाहिए, ताकि अगर आपको कभी कुछ भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट ज़रूरत पड़ जाती है कोई भी दवाई वगैरह के लिए, तो आपको यहाँ पे सहायता मिल सकता है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो यदि आप यहाँ पे वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन हैं, तो आपके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा बेनिफिट है कि आपको यहाँ पे सीट भी अवेलेबल मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपका जो भी प्राइस यानी कि टिकट का जो पैसा होता है उससे आपको आधा दाम लगेगा, कम लगेगा, और टिकट भी अवेलेबल हो जाएगा। तो इस यहाँ पे अगर सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन मतलब कि यहाँ पे आपकी उम्र कोई पुरुष है तो 60 साल से ज़्यादा उम्र हो गया तो वो सीनियर सिटीजन में आएगा, और कोई महिला है तो 45 साल के ज़्यादा हो गया 45 साल से, तो वो सीनियर सिटीजन में आएगी। तो इस तरीके से अगर आप 60 साल, अगर आप पुरुष हैं तो 60 साल से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, महिला है 45 साल से ज़्यादा तो यहाँ पर टिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे आपका सीट मिल जाएगा, साथ ही साथ आपका जो भी टिकट के पैसा है वो कम हो जाएगा। पीछे आते हैं तो यहाँ पे और कोई काम के ऑप्शंस नहीं बचता है। यहाँ पे अगर आप अपग्रेड कराना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक बॉक्स करेंगे, अगर आप अपग्रेड नहीं भी कराना नहीं भी करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो कोई खास ये चीज़ें हैं नहीं। उसके बाद यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो अब यहाँ पे आपको फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे गाड़ी संख्या और नाम, तो आपको पहले पता होनी चाहिए कि गाड़ी संख्या क्या है, गाड़ी का नाम क्या है, यहाँ पे आपको लिख देना है। सबसे पहले आप गाड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद गाड़ी का नाम लिखेंगे। हो सकता है आपका जो भी लिखें वो इतना में ना हो, तो कोई बात नहीं, आप आड़ा टेढ़ा लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना यात्रा की तारीख यानी कि जिस डेट को आप यहाँ पे ट्रैवल करने वाले हैं उस वो डेट आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है श्रेणी यानी कि आप यहाँ पे स्लीपर क्लास में ट्रैवल करने वाले हो या फिर एसी में, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, फर्स्ट एसी या फिर स्लीपर क्लास। स्लीपर क्लास में यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं तो सिंपल एस और एल लिख देंगे, अगर आप एसी वगैरह में ट्रैवल कर रहे हैं तो थर्ड एसी, सेकेंड एसी, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है सीटों की संख्या सैकड़ों, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यहाँ पे छोड़ दें इसको। उसके बाद है यहाँ पे स्टेशन से, यहाँ पे आप किस स्टेशन से यहाँ पे आप ट्रैवल करना चाहते हैं वो स्टेशन का आप नाम डालेंगे। उसके बाद जिस स्टेशन तक, जहाँ तक आप जाना चाहते हैं डेस्टिनेशन फाइनल, उस स्टेशन का यहाँ पे नाम डालेंगे। दोबारा से यहाँ पे यात्रा प्रारंभ करने का स्टेशन, तो यहाँ पे आपको दोबारा से वही डालना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेशन तक आरक्षण यानी कि लास्ट आपका स्टेशन कौन सा है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे आप सबसे इम्पोर्टेंट है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर डालने से आपके पास आपका PNR नंबर जब टिक बुक हो जाएगा, टिकट जब बुक हो जाएगा तो आपके मोबाइल फ़ोन पे PNR नंबर चला जाएगा, जिससे आप यहाँ पे कभी भी अपने टिकट को स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी आप टिकट रिजर्वेशन कर रहे हैं उनका नाम यहाँ पे 15 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जितने लोगों को यहाँ पे आप टिकट करवाना चाहते हैं एक बार में करवा सकते हैं, एक बार में आप यहाँ पे 6 लोगों का ही रिजर्वेशन करवा सकते हैं, 6 लोगों से ज़्यादा आप यहाँ पे नहीं करवा सकते। सिंपल सा आप नाम डालेंगे जिसका जिसका आप यहाँ पे टिकट करवाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीयता है, इंडियन है तो यहाँ पे इंडिया लिखेंगे, इंडियन लिखेंगे, यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पुरुष या फिर महिला क्या है, आयु आपको लिखना है, एज जो लिखना है वो आपके आधार कार्ड के डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको और फैसिलिटी मिल जाता है, जैसे कि राजधानी या फिर शताब्दी या फिर दुरंतो रेलगाड़ी के लिए खाने का विकल्प,
अगर आप इन ट्रेन में अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे खाने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पे खाना लेना चाहते हैं तो यस पे टिक, यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद शाकाहारी या मांसाहारी में क्या क्या खाना चाहते हैं वो यहाँ पे भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई 5 साल से कम उम्र के बच्चा ट्रैवल कर रहा है तो आपको इसमें नहीं भरना है, आपको नीचे भरना है। कई लोग इसी में भर देते हैं, वो गलत है, आपको यहाँ पर नीचे भरना है, क्योंकि उनके लिए अलग से टिकट जारी नहीं किया जाता है, ना ही उनके लिए अलग से आपको कोई चार्ज लगता है। तो अगर 5 साल से कोई भी नीचे का कोई बच्चा है उम्र का, तो यहाँ पे आप उसका नाम लिखेंगे, पुरुष स्त्री एज लिख देंगे सिंपल सा। उसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि यहाँ पे वापसी यात्रा का विवरण। कई लोग क्या करते हैं कि ऊपर जो यहाँ पर डिटेल है वो नीचे भी भर देते हैं, जबकि उसे उन्हें रिटर्न नहीं आना होता है। तो अगर आप उसी ट्रेन से रिटर्न आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वही वाला डेट डालेंगे, यहाँ पे इस कॉलम को फिल करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे छोड़ देंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे ऊपर जो जो आपने डिटेल डाला है उसी, अगर इसी ट्रेन से अगर आप रिटर्न आना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कहाँ कहाँ से रिटर्न आना चाहते हैं उसका डिटेल आप डालेंगे। अगर आप रिटर्न नहीं आना चाहते हैं, किसी और से ट्रेन से आना चाहते हैं, तो ये वाला आप कॉलम फिल नहीं करेंगे। उसके बाद है यहाँ पे आवेदक का नाम, यहाँ पे जो भी टिकट बुक करा रहा है वो अपना नाम लिखिएगा सिंपल सा। उसके बाद है यहाँ पे पूरा पता, पूरा पता अभी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है COVID-19 की वजह से। पहले तो अगर थोड़ा बहुत कम भी लिखते तो चल जाता था, लेकिन अभी आपको पूरा लिखना है, पूरा आपको लिखना है, ग्राम पंचायत, पुलिस स्टेशन, थाना, जिला, पिन कोड, इतना तो मैंडेटरी होना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पे आधार संख्या, वैकल्पिक है यानी ऑप्शनल है, आप चाहें तो भर सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद है टेलीफोन या मोबाइल नंबर, आपने ऊपर अगर मोबाइल नंबर डाल दिया तो दोबारा आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो फाइनल ऑप्शन है यहाँ पे आवेदक या फिर प्रतिनिधि का हस्ताक्षर, जो भी यहाँ पे टिकट बुक करा रहा है उसका सिग्नेचर होना चाहिए, तो सिंपल सा वो सिग्नेचर यहाँ पे करके फॉर्म को काउंटर पे जमा करेंगे तो उनको यहाँ पे टिकट मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इधर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे रेलवे का टर्म एंड कंडीशन आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कृपया खिड़की छोड़ने से पहले अपनी टिकट और शेष राशि की जांच कर लें, वरना यहाँ पे टिकट काउंटर वाले जिम्मेदार नहीं होंगे। बस आपको इतना कुछ करना है, उसके बाद सिंपल काउंटर पे जमा करना है, आपको रिजर्वेशन टिकट मिल जाएगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। इसी तरीके से और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।